दोस्तों, मैं मीनू मीनाक्षी पैराडाइज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत खूबसूरत प्लांट आपके पास लाई हूँ और दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हम केयर करते हैं, किस तरह से इसको हम कटिंग से ग्रो करते हैं, क्या सॉइल तैयार करते हैं। ये है मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्लांट है जो ज्यादातर साउथ मेक्सिको के फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में लगता है। और इसकी खास बात यह है कि एक तो शेड लविंग है और दूसरा कि इसको मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो इसकी सॉइल जो है वो कुछ हम इस तरह तैयार करते हैं कि हम 30% जो है गार्डन सॉइल लेते हैं, 30% हम सैंड क्योंकि थोड़ा सा पोरस होनी चाहिए सॉइल, और 20% हम वर्मी कंपोस्ट और 20% हम इसमें कोकोपीट इसलिए डालते हैं कि ये मॉइस्चर है। मैंने इसको जो है मॉस स्टिक में जो है वो किया हुआ है। तो ये क्योंकि इसमें जो एरियल रूट्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं ये एरियल रूट्स हैं, ये इनके सहारे इस पे चलता है और इससे इसको मॉइस्चर भी मिलता है प्लस इसे एक सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये एक मनी प्लांट की तरह ही ये जो है इसको सपोर्ट चाहिए। तो इसे ये बिल्कुल इसकी जो जड़े हैं, जो एरियल रूट्स हैं, ये सब जाके इस मॉस स्टिक में चली गई। तो आप कभी भी अगर लगाएं तो या किसी पेड़ के सहारे या आप इसको किसी भी बड़े पेड़ के सहारे लगाएं तो काफी बड़ी बड़ी लीव्स हो जाती हैं। अभी जैसे क्योंकि मैंने इसको इस पे लगाया हुआ है तो आप देखिए कितनी सुंदर इसकी लीव्स जो है कटी हुई है और बहुत सुंदर लग रही है। इनकी लीव्स का जो कटा होना इनकी जो हैबिट है वो इसलिए है क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट में लगते हैं तो जो पानी इस पे रेन का गिरता है तो इनका नेचुरल इनको जो लुक दी हुई है वो उसी वजह से है कि क्योंकि साइज बहुत बड़ा है और अगर पानी गिरता है और अगर लीफ में कट नहीं होगा तो ये पत्तियां फट सकती हैं। तो वो उनको नेचुरल ही इनको इस तरह से कट मिला हुआ है और बहुत सुंदर लगते हैं। इनका कॉमन नेम जो है वो इसको स्विस चीज प्लांट भी कहते हैं, जैसे कि लाइक चीज में जो आप देखते हैं कि होल्स होते हैं ना, इसी तरह इनमें भी कट्स होते हैं तो इसीलिए शायद चीज स्विस चीज प्लांट कहते होंगे। और बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो इसका केयर जो है वो इतनी है कि आप इनिशियली जब आप वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं उसके बाद आप इसमें कोई जरूरत नहीं है किसी लिक्विड फर्टिलाइजर की, आप वापस 6 महीने बाद रिपॉट कीजिए और इसकी सॉइल को या ऊपर इसमें आप गुड़ाई करके वर्मी कंपोस्ट जो है वो डाल सकते हैं। इसको जो है कुछ खास बातें ये इस पे रखने की है कि जैसे हमने इसको सपोर्ट से चढ़ाया हुआ है और हम इसमें कभी भी जैसे कटिंग के सहारे लेना चाहते हैं तो ये इसमें काफी सारी मेरी निकल रही हैं, ये है तो इसमें से हम कट निकाल के ये ऊपर ये है यहां से जहां थोड़ी सी एरियल रूट्स हो जैसे ये है उनको हमने ये ले लिया यहां से और इसमें से कट करके हम करीब यही जुलाई अगस्त के हम सीजन में लगा देते हैं। वैसे तो आप कभी भी इसे लगाएंगे और उसके बाद ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। जुलाई में आप कभी भी इसकी कटिंग कोई भी कैसे भी लगा देंगे वो इजीली जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट जो है बहुत अच्छा सा सर्वाइव कर रहा है और इस तरह की मेरे पास मैंने कटिंग से काफी सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं। जैसे आप देखिए इधर ये मेरा ये भी एक मैंने मॉस स्टिक में ही लगाया था लेकिन ये और बड़ा हो गया और मैं अब इसको यहाँ से जैसे कट करके ये इधर से ये रूट्स हैं और आप जहां पर नोट और इंटर नोट में रूट्स आ रही हैं वहां से कट करके लगाएंगे और ये बहुत इजीली जो है ग्रो कर जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि इनको एक सपोर्ट, अब जैसे ये एक वॉल का सपोर्ट मिला इन्हें तो इसकी जो रूट्स हैं ये वॉल पे भी जाके चिपक रही हैं। और आप अगर ट्री के सहारे लगाएंगे तो भी लग जाएगा। आप ये देखिए ये सब मेरा इसमें कितने अच्छे से जो है ये ग्रो हो रहा है। और गर्मियों के टाइम में ये जो है अच्छे से इनमें ग्रोथ होती है। और ये सब मैंने अपने इधर वॉल के सहारे लगे रखे हुए हैं जहां इनको शेड मिलती है, यहाँ सनलाइट बिल्कुल इधर नहीं आती है, बस इनको थोड़ा सा एक मॉइस्चर एक ह्यूमिड एरिया जो है चाहिए एटमोसफेयर। कटियो आप यहाँ देखिए ये बाहर जो मेरे ये लगा हुआ है गार्डन में और इसमें कितनी बड़ी बड़ी लीव्स हो गई हैं आप देख रहे हैं।
ये क्योंकि ये जमीन पर लगा हुआ है और इसको थोड़ा इधर पेड़ की जो है वो शेड भी मिल रही है, प्लस इसको सपोर्ट मिल रहा है मेरे उधर जाली का। तो ये आप इसके साइज देखिए, इस लीफ का वो गमले में था, पॉट में लगा हुआ है, इस वजह से उसकी लीफ इतनी बड़ी नहीं है। और अगर आप इस पे जमीन पे लगाएंगे तो बहुत अच्छी से इसकी ग्रोथ होती है। और वही मैंने कहा कि इसको किसी भी सिवाय आप साल में दो बार वर्मी कंपोस्ट दें, बहुत अच्छा सा ग्रो करेगा और आपको किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा प्लांट और मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपसे फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ। थैंक यू।